हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैंगो पुडिंग की रेसिपी। यह मैंगो पुडिंग देखने में भी बहुत सुंदर लगती है और खाने में तो टेस्टी है ही। बच्चे भी इसे देखेंगे तो एकदम से अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ और मांगेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है और बहुत सॉफ्ट होती है, एकदम से मुँह में घुल जाती है डालते ही। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। देखिए इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए मैंने एक कप चॉप मैंगो लिया है, बड़े वाला। अब इसको मैं ग्राइंडर में शिफ्ट कर लूँगी। अब इसमें मैं हाफ कप चीनी डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें आधा कप दूध डालेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। ये देखिए मैंगो प्यूरी हमारी रेडी हो गई है। अब हम कॉर्नफ्लोर स्लरी बनाएंगे। इसके लिए मैंने आधा कप कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब हमारी स्लरी तैयार हो गई है। अब हम एक पैन में मैंगो प्यूरी को डालेंगे और इसे पकाएंगे। अब हम इसमें एक चुटकी नमक डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही एनहेंस हो जाता है। अब हम इसे चलाएंगे और इसे एक बॉईल आने तक पकाएंगे। अब इसमें एक बॉईल आ गया है। हम इसमें अपनी जो कॉर्नफ्लोर स्लरी बनाई थी वो हम इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि ये जम जाता है कॉर्नफ्लोर नहीं तो नीचे। अब इसे मिक्स करेंगे और कुक करेंगे। कॉर्नफ्लोर डालते ही थोड़ी देर में ही एकदम गाढ़ी होने लगती है। हम इसे 5-6 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए धीरे धीरे ये गाढ़ी होती जा रही है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें आधा नींबू का रस, 1 चम्मच के करीब हमें नींबू का रस डालना है इसमें। इससे इसका टेस्ट बहुत खट्टा मीठा बहुत ही अच्छा होता है। और इसे 3-4 मिनट ठंडा होने रखेंगे। अब हम इसे अपने मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। यदि आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप किसी भी प्लास्टिक कंटेनर, स्टील कंटेनर और ग्लास कंटेनर में से डाल सकते हैं। अब हम इसे टैप करेंगे। और इसे हम फ्रिज में सेट करने के लिए रखेंगे आधा घंटे के लिए। अब हम इन्हें फ्रिज से निकालेंगे और इन्हें डीमोल्ड करेंगे। ये देख लिए बहुत ही इजीली निकल जाते हैं ये। अब हम इन्हें गार्निश करेंगे। आप चेरी से, टूटी फ्रूटी से, किसी से भी गार्निश कर सकते हैं। चॉप पिस्ता से भी गार्निश कर सकते हैं। इस पे मैंगो स्लाइस भी रख सकते हैं और मिंट लीफ से इसे गार्निश करेंगे, जिससे कि देखने में भी सुंदर लगती है। बहुत मैंगो के साथ मिंट का फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है। हम इसे चिल्ड भी सर्व कर सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। आप ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को। और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं एक अगली अच्छी सी रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम।